गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। हाथों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, कोई इंट्रो वगैरह कुछ भी नहीं दिखाते हुए सीधे आते हैं अपनी वीडियो पे। तो छोटी बड़ी चीज़ जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा दोनों ही सेव हो सके, ओके। तो मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने अपना ये पिछला पहिया खोल लिया है, ओके। ये देखिए इसका कैलिपर बहुत ही गंदी हालत में पड़ा हुआ है, तो इसको खोल लेते हैं। अपन 14 नंबर का बोल्ट है, इसको खोल करके निकाल लेते हैं। दोस्तों देख सकते हो मैंने अपना ये कैलिपर खोल लिया है। इसके अंदर मेरा ये देख सकते हो सिलेंडर है और रिंग किट है। दोस्तों एक्चुअली ये पल्सर 220 का नहीं है, ये पल्सर RS 200 का है। ये भी मैंने अपने रिक्स पे ही लिया हुआ। तो सबसे पहले अपन इसको खोल लेते हैं और इसकी क्लीनिंग का काम करेंगे। दोस्तों अपन ये 11 नंबर का जो बोल्ट है इसको लूज़ कर लेते हैं दोस्तों, ताकि इसका प्रेशर जो भी है वो रिलीज हो। तो चलिए दोस्तों इसको पहले अलग कर लेते हैं, ओके। मेरा थोड़ा सा जाम हो गया है, वरना इसको आप ऐसे खींचोगे दोनों को, एक को इसको ऊपर की साइड और इसको नीचे की साइड, तो ये खुल जाएगा। लेकिन ये खुल नहीं रहा, तो मैं इसको इस तरह से धीरे धीरे ठोक लूँगा। ये अपने डिस्प्लेट वगैरह निकाल लेते हैं, उसके बाहर निकाल लेंगे दोस्तों इस तरीके से, देख सकते हैं। और स्क्रीन सब को सेफ रखना है दोस्तों, नहीं तो अगर आपका एक भी सामान खो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद में ये देखिए बड़े आराम से इस तरफ से बाहर आ जाएगा, इस साइड से दोस्तों। ये देख रहे हो ये इस साइड से इसको ऊपर की साइड खींचोगे ये बाहर आ जाएगा। और ये अपने डिस्प्लेट बाहर देखते हैं, इसको निकाल के ये निकलता है या नहीं निकलता है। अभी फिलहाल कैसे निकाला जाएगा देखते हैं, पकड़ के घुमाने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसका ये वाला नट भी खोल दिया, देख सकते हो कितना डस्ट भरा हुआ है इसमें, ओके। ये देखिए है ना, और ये देखिए कि कितना रस्टेड है इसका। एक्चुअली मैंने क्या किया है, इसको घिसते घिसते ये देख सकते हो आप, इसको मैंने चारों तरफ से घिस के 10 mm के साइज का बनाया है। स्टिक की हेल्प से इसको पुश करके खोल लिया, देख सकते हैं। अब ट्राई करते हैं इसको निकालने का, अब शायद ये लूज हो गया होगा तब ये निकल जाएगा, अब ये निकल जाएगा। ये देख घूम गया है, ओके। ये देख सकते हैं आप लोग, ये घूम चुका है। और ये देखिए आपने इस पर थोड़ा सा अपना ये डीजल इस तरीके से डाला, ये इस तरीके से, ओके। देख सकते हैं ये गीला हो गया, धीरे से इसको इस तरीके से घुमाया दोस्तों। जब इसमें डीजल गया अंदर, ये बाहर आ गया अपना, ओके। ये देख सकते हैं ये पिस्टन ही जाम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज नहीं हो पाता अपना, ओके। जबकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। इस टेंशनर को हम थोड़ा सा और इसको इस तरह से कर देंगे, तो इससे क्या होगा, प्रेशर सा बना रहेगा, अपनी जो डिस्प्ले का ना वो हिलेगी नहीं। अब मैं इसकी पूरे की क्लीनिंग करूँगा दोस्तों, ओके। क्लीनिंग कैसे करना, हम इसको सर्फ में धोएंगे। ये रबड़ हो गया अपना, और ये भी रबड़, ये निकल गया दोस्तों, है ना। इसकी अपने को दोनों रिंग निकालनी है, दोनों रिंग देख सकते हो इसमें ब्लैक कलर की है, ओके। इसमें जो मुझे रिंग किट मिली है दोस्तों, दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ये ओरिजिनल है, ये भी देखिए इसमें भी ब्लैक है। इसका अगर आप पार्ट नंबर लेना चाहो तो पार्ट नंबर ले सकते हो DK151089, ओके। ये मैंने 99rpm.com से मंगाया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इसका रिंग निकाल लेते हैं, देख सकते हो आप इसमें ये एक ब्लैक कलर की पतली रिंग है और एक ब्लैक कलर की चौड़ी रिंग है। ये देख ये निकल गई है, ओके। ये अब निकल जाती है, ये देख सकते हो इसके पीछे आप डस्ट देख सकते हो दोस्तों, पीछे ये डस्ट लगा हुआ है, ओके। अब इसको धोना कैसे दोस्तों वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वॉश करने के लिए अपन ले लेंगे, मैंने ले रखा है ऑलरेडी ये पानी, मैंने एक ब्रश ले लिया है खराब ब्रश, ये सर्फ एक्सल लिया है। तो अगर हम इसकी सही से सर्विस कर दें और अच्छे से काम कर दें तो आपके 2500-3000 रुपये बच सकते हैं। तो देख सकते हो लगभग मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया है, बिल्कुल साफ कर लिया है, ओके। आप देख सकते हो
और ये जो आप गैप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे रिंग लगेगी, ये यहाँ पे जहाँ पर रिंग लगेगी वहाँ मैंने इस पेचकस की हेल्प से इसको आराम आराम से इस तरीके से इसकी क्लीनिंग कर दी है दोस्तों, ठीक है। और इसको अब सूखने दे देते हैं, देख सकते हो उसके अंदर ये निकला, ये रहा। देख सकते हो अंदर पूरा क्लीन हो गया, ओके। अब इनको सूखने दे देते हैं, उसके बाद इसको फिट करते हैं दोस्तों, ठीक। तो फाइनली दोस्तों अपना ये इसका धुलाई का काम हो गया है, इसको क्लीन कर लिया, इसको क्लीन कर लिया और इसको भी क्लीन कर लिया आप देख सकते हैं अंदर से। तो मेरे पास दोस्तों एक्चुअली ग्रीस नहीं है, इसका डब्बा में ले आया हूँ, इस ग्रीस का यूज़ करेंगे, बट पहले इस पर ऑयल लगा लेंगे, ओके। पहले बॉस का है ये भी, डॉट क्लियर, ये देखिए। जा करके अभी अपने सर्विस भैया के यहाँ से ही ले आया हूँ ये डिस्पैच, इसका आप पार्ट नंबर देख सकते हैं 15-10-85 है ना, तो 85-86-87 ये हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 88 और ये 89। और इसका जो प्राइस है दोस्तों 238 रुपये है, बट ये अभी मैं सर्विस भैया के यहाँ से लेके आया हूँ, देखो इन्होंने फिर मेरे को लगभग 18 रुपये का ऑफ दिया है दोस्तों। ये रेडिंग है, इसको थोड़ा ऑयल लगा लें इस तरह से, और इसमें भी लगा लेते हैं। बिल्कुल सेट बैठ गया दोस्तों, कुछ दूर नहीं करना पड़ा मुझे, अपने आप बिल्कुल अपनी जगह पर आके बैठ गया। अब ले लेते हैं अपन स्टर, ये देखिए। तो इस पे इस साइड ऑयल लगा लेते हैं, इस साइड भी ऑयल लगा लेते हैं, अंदर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देते हैं, ओके। अब ट्राई करते हैं हल्का हल्का, बिल्कुल नाम का ग्रीस, आराम से इसको इस तरीके से। ये चला गया बिल्कुल अंदर, बिल्कुल सेट। और मैंने आपको बताया था कि मैंने ये रिस्क लिया है, RS 200 का मैंने ये लगाया हुआ है, ओके। देखिए अपनी पल्सर 220 वाले में भी बिल्कुल सेट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हल्की ग्रीस लगा लेते हैं, बिल्कुल लाइट ग्रीस रखेंगे दोस्तों। देन ये रबड़ अपनी इसमें पार होगी, ये अपन इसमें डाल लेते हैं इस तरह से। तो आप ये जो रबड़ देख रहे हैं, ये रबड़ बैठेगी अपनी एक देख सकते हो इस तरीके से, ये बैठ गई दोस्तों, और इस तरीके से इसमें, और ये इस तरीके से, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अपने आप ही कितना स्मूथ हो गया है, ये अपने आप वर्क कर रहा है, आगे पीछे है ना। इसको एक्चुअल में इतना ही वर्क करना है दोस्तों, देखें दोस्तों ये जाएगा अपना इस तरीके से। थोड़ा सा दबाना इसको, फिर इसको भी दबाना थोड़ा सा, और ये पुश, एक सेकंड, ये इस तरीके से लग गया, और ये अपनी बिल्कुल नई असेंबली बन के तैयार है जो आपको कंपनी से मिलती है, ओके। और इसके बीच में हम कुछ फंसा देते हैं, फंसा दिया अपने पुराने डिस्पैच को, ताकि ये हिले ना और इधर उधर ना हो, ओके। देख सकते हो दोस्तों मैंने पूरा का पूरा ये अपना कैलिपर बिल्कुल नया कर लिया है, ओके। सिर्फ इतने ही काम के लिए आपको मैकेनिक और सर्विस सेंटर वाले पूरी नई असेंबली खरीदने को बोलते हैं, नई कैलिपर असेंबली पूरी आपको खरीदनी पड़ती है, जबकि मेरा काम सिर्फ 200 रुपये के डिस्पैच और 206 रुपये के पिस्टन किट से हो गया, मतलब टोटल मिला करके ये मेरे को तो 206 प्लस 100 रुपये मान लीजिए 300 का मेरे को पड़ा है, और ये 210 का पड़ा है, तो 500 रुपये में मेरी ये पूरी असेंबली बिल्कुल तैयार हो गई है,
बस अब इसको इंस्टॉल करना है। तो इसके इंस्टॉलेशन के वीडियो में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और पूरे ब्रेक का चेकअप भी कराऊंगा। ओके, इसको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर दें। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं श्योर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो मिलते हैं इसी वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।